हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में आधार वर्चुअल आईडी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, बहुत दिनों से आप लोग एक न्यूज़ सुन रहे होंगे कि UIDAI एक आधार वर्चुअल आईडी लाने वाली है। तो दोस्तों, ये क्या है? और आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास आधार कार्ड होने के बावजूद हमें आधार वर्चुअल आईडी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, आप लोग आजकल बहुत देख रहे होंगे कि किसी को आपका आधार नंबर अगर पता चल जा रहा है तो आप वो आपके आधार से क्या क्या लिंक है सारी जानकारी पता कर सकता है। दोस्तों, जब से मोदी सरकार आई है तब से आधार को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है और हर जगह इसे लिंक करवाया जा रहा है, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट हो, चाहे गैस सब्सिडी हो, या फिर आपको अपने मोबाइल में आधार लिंक करवाना है। तो दोस्तों, जब आप अपना आधार कार्ड का नंबर कहीं भी लिंक करवाने के लिए देते हैं तो वो बैंक या आपके जहाँ से आप सिम लेते हैं वो क्या करते हैं कि आपके आधार नंबर को स्टोर करके रख लेते हैं, और कभी अगर उनका डाटा लीक हो गया या वो खुद लीक कर दें तो इससे आपका आधार कार्ड बहुत जगह बहुत गलत हाथों में चला जा सकता है, जिससे कि किसी को भी अगर आपका आधार कार्ड मिल गया, अगर वो हैकर है तो आपके आधार का मिसयूज कर सकता है। जैसे कि आपके आधार कार्ड नंबर से वो डाल के चेक कर सकता है कि आपके बैंक आपका आधार कितने बैंकों से लिंक है, आपका बैंक की डिटेल वो जान सकता है, बहुत कुछ जान सकता है। और दोस्तों, फ्यूचर में क्या है कि गवर्नमेंट और भी कई चीज़ों में आधार कंपलसरी करने वाली है, जिससे कि हमारे सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। तो इन सब को देखते हुए UIDAI ने गवर्नमेंट के सामने आधार को लेकर एक अपना नया फॉर्मेट पेश किया है, जिसमें वो बताते हैं कि जिनके पास भी आधार है वो उनको एक आधार की वर्चुअल आईडी प्रोवाइड करेंगे। तो अब हम जान लेते हैं डिटेल में कि ये वर्चुअल आईडी क्या है। तो दोस्तों, वर्चुअल आईडी में सिर्फ और सिर्फ आपको 16 अंक का एक नंबर मिलेगा। ये नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? दोस्तों, ये नंबर आपको जनरेट करना पड़ेगा आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाकर। वहाँ पर आप अपने आधार कार्ड का जब नंबर डालेंगे तो आपको एक दूसरा 16 डिजिट का नंबर मिल जाएगा, जो सिर्फ आपके आधार से लिंक रहेगा लेकिन वो आपका आधार नंबर नहीं रहेगा। अब दोस्तों, इससे क्या फ़ायदा होगा? जब आप कभी सिम लेने जाएं, या आप कभी किसी बैंक में जाएं, या आपको अपनी गैस के लिए आपको आधार नंबर देना हो, तो आप वहाँ पे ना तो अपना आधार नंबर दीजिए और ना तो आप उसकी फोटोकॉपी दीजिए। आपको वहाँ पे सिर्फ ये 16 अंक का जो वर्चुअल आईडी प्रोवाइड की जाएगी आधार के वेबसाइट से, सिर्फ और सिर्फ आपको वही वहाँ पर देना है। और ये सुविधा से 1 मार्च से लागू होगी। 1 मार्च से आपको आधार के वेबसाइट पे आईडी वर्चुअल आईडी मिलना चालू हो जाएगा, और आप 1 जून से ये सारे बैंकों में, सारे जहाँ से गैस सब्सिडी मिलती है या आप कहीं सिम लेने जाएं वहाँ पर, 1 जून से ये सारी सेवाएं लागू हो जाएगी। कोई कर्मचारी ये नहीं कह सकता कि उन्हें आधार चाहिए या आधार नंबर चाहिए, उन्हें ये 16 अंक का वर्चुअल आईडी लेना ही होगा। और दोस्तों, अगर वो इसको लेने से मना करते हैं तो आप डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं उनके खिलाफ, तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आगे बात कर रहा था कि आपको जहाँ भी आधार की ज़रूरत होगी वहाँ आपको ये वर्चुअल आईडी देनी होगी। वर्चुअल आईडी देने से फ़ायदा ये है कि जब चाहे बैंक हो चाहे जो हो, उनको आपकी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो वर्चुअल आईडी से सिर्फ और सिर्फ आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी फ़ोटो और आपका एड्रेस, इतनी ही इंफॉर्मेशन ले पाएंगे आधार कार्ड से, और उनको आधार नंबर पता नहीं चलेगा। और आप ये वर्चुअल आईडी आधार की वेबसाइट पर जाकर कितनी भी बार ले सकते हैं। कितनी भी बार लेने का मतलब यह है कि जैसे आपने एक वर्चुअल आईडी बैंक में दे दी तो आप चाहें तो फिर जाकर आधार की वेबसाइट पर दूसरी वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं, और आपकी जो पुरानी वाली वर्चुअल आईडी होगी वो कैंसिल हो जाएगी, आपको नई एक वर्चुअल आईडी मिल जाएगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पुरानी आईडी कैंसिल हो जाएगी तो बैंक से आपका सारा डाटा हट जाएगा। बैंक को जब आप वर्चुअल आईडी देंगे तो वो उस वर्चुअल आईडी की हेल्प से आपका नाम, पता, फोटो, सारी चीज़ें निकाल कर अपने सिस्टम में स्टोर कर लेंगे। दोस्तों, ऐसा उनको करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट का ये रूल है।
पहले क्या होता था कि आप अपने आधार कार्ड का नंबर दे देते थे और आधार की फ़ोटो कॉपी दे देते थे, तो वो उसको ही स्टोर करके रखते थे। लेकिन अब क्या है, उन्हें आपकी इंफॉर्मेशन वर्चुअल आईडी की मदद से ऑनलाइन निकालनी पड़ेगी, फिर आपके डाटा को वो स्टोर कर पाएंगे। और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी सिक्योरिटी बनी रहेगी, किसी को भी आपका आधार नंबर पता नहीं चलेगा और आपके आधार से कोई भी गलत यूज़ नहीं हो सकता। हाँ दोस्तों, इससे नाम, पता और फ़ोटो, ये इतनी ही इंफॉर्मेशन सिर्फ मिलेगी, बाकी और कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। मेन होता है आपका आधार नंबर, वो अब किसी को नहीं मिल पाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ UIDAI के पास रहेगा और वहाँ से अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो ले सकती है, बाकी और किसी को भी आपका आधार कार्ड का नंबर नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आधार वर्चुअल आईडी के बारे में अच्छे से मालूम हो गया होगा। अब दोस्तों, अब 1 मार्च का इंतज़ार है, जब ये आईडी हमारे UIDAI की वेबसाइट पर जनरेट होने लगेगी, तो आगे के प्रोसेस भी वीडियो में मैं बनाकर आपको बताऊंगा कैसे वर्चुअल आईडी जनरेट की जाए, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आगे वीडियो में आपको मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू दोस्तों सो मच, फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, बाय बाय।